नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रेजी स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HCL रिक्रूटमेंट के बारे में। HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने एक रिक्रूटमेंट अपने वेबसाइट पे डाला है। वेबसाइट पे अभी तक तो नहीं आया है, बट एम्प्लॉयमेंट न्यूज 8 से 14 सितंबर वाले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पे दे दिया है। उसमें बताया है कि उन्होंने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है BE, BTEC और ग्रेजुएट के लिए। मैं उस बारे में आपको डिस्कस करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, देखिए, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से मैंने ये कट निकाला है। आप देख सकते हैं, ये आपका 8 से 14 सितंबर का न्यूज़पेपर का है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का। ठीक है, इसमें टोटल 177 वैकेंसीज हैं। ठीक है, 177 वैकेंसी टोटल है। डिफरेंट वैकेंसीज है, कुछ बीटेक के लिए है, कुछ ग्रेजुएट के लिए है, कुछ एमबीए के लिए है। ठीक है, उस सारे पोस्ट के बारे में डिटेल्स में नीचे दिया हुआ, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसका फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है वो मेरा 15/9 से है। 15/9/2018 से शुरू होगा और आप भर सकते हैं इसको 6/10 तक, यानी 6 अक्टूबर तक आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, एजुकेशन एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है, माइनिंग के लिए आपको होना चाहिए बैचलर डिग्री इन माइनिंग। ठीक है, उसके बाद मेटलर्जी में आपको होना चाहिए BE, BTEC। इलेक्ट्रिकल में आपको बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट्स में होना चाहिए। ठीक है, रिफैक्ट्री में आपको बैचलर इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सरमिक। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बैचलर डिग्री चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। उसी तरह इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में चाहिए बैचलर डिग्री इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में। ठीक है, और कुछ पोस्ट जैसे डिप्लोमा के लिए है और कुछ पोस्ट है आपके BCOM के लिए, जैसे फाइनेंस फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में जो चार्टर्ड अकाउंट में जो ये कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट में जो ये कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं विद MBA डिग्री। ठीक है, उसके बाद लॉ के लिए BCOM, BSc, BA के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मार्केटिंग के लिए आर्ट्स साइंस कॉमर्स के ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हमारा हिंदी और इंग्लिश है। ठीक है, अब बात करें कि इसको हम कहाँ से कैसे अप्लाई करें। इसको अप्लाई करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड पे जाना होगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं से इसका सिर्फ एक ही तरीका से अप्लाई करते हैं, वो सिर्फ ऑनलाइन मोड है अप्लाई करने का। इसमें कोई फ़ी वगैरह नहीं लग रहा है, ऐसे तो यहाँ कोई मेंशन नहीं, बस चांसेस है कि इसमें फ़ी नहीं होंगे। ठीक है, अब बात करें इसमें सैलरी के पैकेज कितना होगा, तो इसमें सैलरी अप्रोक्स आपका 30,000 के अप्रोक्स सैलरी रहेगा। ठीक है, ये आपका डिफरेंट ग्रेड दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसका पे दिया हुआ है। ये कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर E9 के लिए 15,000 से लेके आपका 30,000 तक है। ठीक है,